हेलो दोस्तों, मॉर्निंग सभी को। और आज हम दोनों मिलकर के रोटी बनाएंगे। आप देख लीजिए, यहाँ पे रोटी बन रहा है। मेरा पाइप यहाँ पे रोटी बना रहा है, सो मैं भी हाथ बटाऊंगा अभी कैसे करके रोटी बनाता है। फिलहाल तो बनाए, बट बस कोशिश करेंगे कैसे करके रोटी बनता है। और बन रहा है रोटी साइड में। हो गया? नहीं हुआ? ऐसी ड्राई बर्तन दो, यहाँ पर रखेंगे। कितना गंदा हो गया है किचन। थोड़ा ऐसे थोड़ा हटा दो, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। ओके, अभी दो। सो यहाँ से आ रहा है। वाह देखो फ्रेंड, रोटी कैसा बनता है। ओ माय गॉड, इट्स एक्सीलेंट। नो, कौन सा शेप कहेंगे इसे पता नहीं चल रहा है। रेक्टेंगुलर। कौन सा शेप है ये? कौन सा शेप है? पता नहीं कौन सा शेप है फ्रेंड। WBS WBS बोल रहा है शायद। लगे खाने के लिए स्वादिष्ट, क्योंकि ऐसा रोटी बहुत ही कम खाने के लिए मिलता है। आप लोगों को तो कभी खाने के लिए मिला कि नहीं पता नहीं, बट मुझे कभी कभार मिलता है, जैसे कि आज मिलेगा। अगर ऐसा ये शेप का रोटी अगर खाना चाहते हो तो मेरे यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, मैं पार्सल कर दूंगा आपके घर तक। बहुत ही स्वादिष्ट होता है, सुपर फाइन बहुत सुपर। हो गया? इट्स फाइन, डन ना। हाँ इतना रोटी यहाँ पे बन रहा है, गोल हो रहा है। नहीं हुआ? बहुत मुश्किल से होता है। टेढ़ा तो जा रहा है। फिलहाल ये अच्छा हुआ थोड़ा बहुत। पहले वाला तो बहुत ही, मतलब क्या बोलेंगे, सुपर फास्ट, यानी कि बहुत टेस्टी। ये भी देखिए, यहाँ पे चंदा मामा बन रहा है। चंदा मामा बस हो गया। डल दिया। ये थोड़ा अच्छा है, बट यहाँ पे देखिए थोड़ा फट गया है। और इसे मैं घुमा देता हूँ। मैं भी ये बना सकता हूँ, बट ऐसा थोड़ा बहुत राउंड नहीं होता है यार। अभी सीख रहे हैं हम लोग रोटी बनाने के लिए। हम अगर आप लोग को ये देख के परेशानी हो रहा तो सॉरी फ्रेंड, बट बहुत ही स्वादिष्ट है। देखिए बीवी का बनाया हुआ है, हर चीज़ बीवी का बनाया हुआ स्वादिष्ट ही रहता है। क्योंकि अगर तारीफ भी नहीं कर दोगे ना तो बाद में क्या पड़ता है, थोड़ा महंगा पड़ता है कि नहीं? है ना, कुछ नहीं बोल रहा है। ये देखो यहाँ पे बढ़ रहा है। किसी का खाना नहीं है तो बोल सकते हैं पहले वाला बन के तैयार। चलो ये आ गया। ये थोड़ा बहुत अच्छा बना है, थोड़ा बहुत बन रहा है। वेल डन। अच्छा है इसलिए अच्छा लग रहा है। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते करते शायद ज़्यादा हो गया। अभी खाने के लिए और स्वादिष्ट होगा। गुड गर्ल। अभी यार एक बात है, अभी बीवी लोग को गुड गर्ल कहेंगे या फिर गुड वाइफ कहेंगे? गर्ल तो बच्चा में होता है, अभी क्या कहेंगे, गुड वाइफ, गुड गर्ल ही तो होता है। चलो जो कोई भी हो, एनीवे रोटी बन के मेरा तैयार। ओके सो ये रहा, पक गया। इसे मैं रख देता हूँ, रख कर देंगे। ओके पता नहीं इसे कैसा बनाता है यार, शक्कर से इसे ऐसा राउंड करना है क्या, हाथ से करना है? चलो हाथ से कर दो। कभी छोटा बनता है रोटी, कभी बड़ा बनता है, पता नहीं। सो चलो कैसे भी पकाने दो, पका लो। चलो अभी इसे। ओके, नया रेसिपी है क्या? तो पहली बार देखा यार, अंदर शुगर डाल के, शुगर डाला हुआ है। वाओ टेस्टी होगा। तो आपने देखा दोस्त, हम रोटी पका रहे हैं अभी, और रोटी थोड़ा टेढ़ा बेका हो रहा है, मतलब टेढ़ा सीधा हो रहा है, कभी बड़ा हो रहा है कभी छोटा हो रहा है। बट ये सभी एक्सपेरिमेंट है। और आपने देखा अभी हमने यहाँ पे, मैंने नहीं, मेरे वाइफ ने यहाँ पे रोटी बनाया, चपटे बनाया, और उसमें क्या डाला है, शुगर डाला। और शुगर डाल के कुछ लंबा टाइप का हो गया शायद, स्वादिष्ट लग रहा है। मेरा मुँह से पानी भी आ रहा है, मुझे भूख भी लग रहा है, क्योंकि 9 बज चुका है, अभी तक नाश्ता नहीं हुआ है। सो जल्दी से ये बन जाए, आई होप कि जल्दी से ये बन जाए और जल्दी से हम खाएंगे। और यहाँ पे ये काफ़ी तगड़ा तैयारी चल रहा है ना? क्या बोल रहे हो, कुछ बोलना है?
बात नहीं कर रहे गुस्सा में, सवेरे सवेरे अगर काम किसी करना पड़ता है तो बहुत ही गुस्सा होता है। ये शुगर वाला ऐसा पक के तैयार है, अभी ये बन गया है, सिर्फ खाने के लिए बाकी है, तो इसे मेरे भी रख देता हूँ मैं। फ्रेंड ये एक दूसरा रेसिपी है, यहाँ पे मैं ऑयल डाल दिया, अभी हम इस पर एक ये छोड़ देंगे, ये डाल दिया, अभी ये चारों ओर पकेगा और उसके बाद में हम इसमें अंडा देंगे। अंडा फोड़ा, उलट पलट कर दो, कितना गंदा हो गया देखो यार, रोटी पकाने से इसे गंदा होता है, कभी पकाते नहीं है, हैबिट नहीं है, हैबिट्स का ज़रूरत है और हमारे पास हैबिट्स नहीं है, कितना गंदा हो जाता है देखो, उल्टा दो, हो गया नहीं। अभी अंडा डालना है अभी नहीं। तो कब डालना है, क्या है अभी इसके ऊपर से अंडा, अंडा नहीं रे रखो, क्या अंडा फोड़ दिया, ये गिर रहा है, ओ चलो अंडा आ गया, वाह ऐसा कैसा है, घुमा दो ना, ऐसा नहीं घूमता है, पक गया भी दे दो, क्या रेसिपी है यार पता नहीं चल रहा है, बट फर्स्ट टाइम रेसिपी है पहली बार एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इतने गंदा तो खाने के लिए तो टेस्टी होगा ये व्हाट इज दिस, क्या है ये सब, अंडा अंदर लगता है यार तो बाहर लगा दिया, ये नया अंडा रेसिपी यार, रोटी के साथ पका हुआ, रोटी के साथ में और फटा हुआ अंडा का रेसिपी है, ऑयल ज़्यादा चाहिए था, ये बचा हुआ ऑयल है, तू ही खाना है इसे, हाँ तू ही खाना, क्या रेसिपी बना है यार आज। आपने अभी देखा होगा मेरा क्यूट सा वाइफ ने एक नया रेसिपी बनाया है, और रेसिपी को देख के ऐसा लग रहा है कि यार शायद ज़िंदगी में कहीं ऐसा पहली बार रेसिपी रोटी के साथ में ऐसा रेसिपी बन रहा है, एग रोल तो खाया था पता नहीं, ये एग रोल ना दो रोल ना तीन रोल क्या पता नहीं है ना, चार रोल तो बात भी नहीं कर रहा है, चलो एनीवे टेस्ट करके देखेंगे क्या लगता है, और चाहो तो आप भी टेस्ट करके रखो, हुआ यार क्या बनाया है ये, अभी क्या है ये दोस्तों, अभी नाश्ता कर लेते हैं, उनके बाद में म्यूजिक प्रोडक्शन का काम पे ध्यान देंगे, कल का काम अधूरा था, शायद आज भी कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि मुझे काम पे भी जाना है, सो मैं दोपहर को जाऊंगा, तो अभी हम इस वक्त नाश्ता करेंगे, रोटी बना है ज़बरदस्त वाइफ ने बनाया, काफ़ी मेहनत करके बनाया है यार, तारीफ तो करना है और ये हक है कि हम तारीफ करें, है ना। देखिए अभी अभी कंपटीशन चलेगा कि कौन कितना खाता है, कितना खा पाएगा नहीं बता रहा, कितना थ्री पीस कितना बता दो, हाथ से बताओ, हाथ से बताओ, थ्री पीस खाएगा बोल रहा है, तो हम अभी खाएंगे, अब थोड़ा वेट कर लीजिए ठीक है। फिलहाल अभी बेंगलोर पे तो थोड़ा सा हॉट नहीं है, थोड़ा छोटा बारिश की बूंदे आ रहा है, मेरे बदन में शायद आ रहा है, तो अभी मैं अंदर जाना चाहूँगा, तो अंदर चलते हैं लगभग। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका इन्फॉर्मेशन के लिए बेंगलोर पे ऑलरेडी और 2 हफ्ता के लिए एक लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है, 24 तारीख से लेकर के 2 वीक्स का, मतलब कल मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे जो प्रोजेक्ट था कंप्लीट नहीं हुआ था, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो चुका है, और मैं आपको बताया था कि मैं मेरा रूम तुम्हें शेयर करूँगा, मेरा रूम बहुत ही छोटा है दोस्तों, रूम का मेरा किचन रहता है और ये छोटा सा एक हॉल है, छोटा सा हॉल है और पीछे टीवी रखा हुआ है और कुछ जो हम सामान लगाते हैं यहाँ पे, अंदर ये कचड़ा पड़ा हुआ है ये सोने के लिए, इनके लिए मुझे 5000 पे करना होता है मंथली में, उनके बाद में इलेक्ट्रिक बिल अलग से आता है, जब मैं गीजर चलाऊँ तो ज़्यादा आ जाता है 350 रुपये तक आता है, और लगभग टीवी वगैरह उनके बाद में ये सारा सिस्टम चलाना पड़ता है मुझे, और उनके साथ में मुझे और भी चलाना पड़ता है, दो था मेरे पास इंडक्शन था तो मैं ज़्यादातर इंडक्शन को ही मैं इस्तेमाल करता था, तो उसमें और भी ज़्यादा बिल आता था, तो अभी मैं थोड़ा इंडक्शन चलाना बंद कर दिया, तो इनके लिए मैं गैस इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादातर, थोड़ा बहुत कम आता है, मतलब 250-300 रुपये बिल आ जाता है। जो ये जो ऐप है एक्सिस बैंक का, यार कब से मैं ट्राई कर रहा हूँ, पहले वाला जो था शायद अपडेट कर चुका है, अपडेट करने के बाद में जब मैं लॉग इन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ तो घूम ही रहा है, और
खा के ऐसे ही बैठा हुआ है यहाँ पे, देखिए ऐसे लग रहा है। तो एनीवे दोस्त, मिलेंगे दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू अगेन। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट पाने के लिए, ठीक है। और हम जल्द ही मैं आपको एक अपडेट दूंगा, आज तो अपडेट दे दिया कि बेंगलोर लॉकडाउन 14 दिन के लिए और बढ़ गया 14 डेज के लिए, तो हम लोग भी शायद टेक ऑफ करने वाले हैं यहाँ से। तो कब करेंगे अभी डिसाइड नहीं हुआ है, बट प्लानिंग चल रहा है नेक्स्ट वीक मतलब आने वाला मंथ में बढ़ते जा रहा है, आज जाएंगे कल जाएंगे। सो बहुत ही जल्द जाएंगे दोस्तों, मिलेंगे दूसरा स्टेट पे। तो टाटा, कल मिलेंगे फिर से, टेक केयर।